हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि पूरे देश के लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया है और मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों को रहा था और तोहफा देने के साथ ही पूरे देश के लोगों का भला कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों के खातों में जमा करा दिए हैं 2500 रुपये, और इसी कारण पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि यदि आपको 2500 रुपये का फायदा नहीं मिला है तो आपको किस प्रकार से 2500 रुपये का फायदा मिलेगा और आपके खातों में किस प्रकार से मोदी सरकार 2500 रुपये डालेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और सरकारी योजनाओं के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में पूरे देश के लोग खुशी से झूम उठे हैं और पूरे देश के लोगों को मोदी सरकार की राहत मिल चुकी है। तो मोदी सरकार का काम योगी सरकार ने किया, और योगी सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का भला किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 87 लाख लोगों के खातों में डाल दिए हैं 2500 रुपये, और इसी कारण जो है यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी आदित्यनाथ का और भारत सरकार का तोहफा मिल चुका है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड महामारी के मद्देनजर वृद्धावस्था, दिव्यांगता, कुष्ठावस्था, पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत राशि के तौर पर करीब 87 लाख लोगों को 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ऑनलाइन प्रदान कर दिए। और राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर 86,71,781 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,301.84 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित किए, और इसी कारण जो है उत्तर प्रदेश के लोग खुशी से झूम उठे और उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार की राहत मिल चुकी है। तो दोस्तों, प्रवक्ता के अनुसार बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर वृद्धावस्था, निराश्रित, दिव्यांग और कुष्ठावस्था, पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत राशि के लाभार्थी शामिल थे इसमें। और योगी ने अवसर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी, और मोदी ने तकनीक के प्रयोग पर बल दिया, जिसका परिणाम है कि आज लोगों को शोषण से मुक्ति मिली और प्रत्येक लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है। ये योगी सरकार की तरफ से घोषणा देखने को मिली, और योगी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज हस्तांतरित धनराशि में पेंशन राशि तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राहत राशि को शामिल करते हुए वृद्धावस्था, निराश्रित और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 1500 रुपए की दर से धनराशि हस्तांतरित की गई, और इसके अलावा कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की धनराशि प्रदान की गई, यानी 1500 लेकर जो है 2500 रुपए की राशि को सभी के खातों में डाला गया है। और योगी ने जालौन, बरेली, देवरिया, बहराइच, मेरठ, मथुरा और वाराणसी के विभिन्न पेंशन लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका हाल पूछा और पेंशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, और बहुत ही बड़ा धन्यवाद देने के साथ ही पूरे के पूरे राज्य के लोगों को योगी सरकार ने तोहफा और राहत दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आज की ताजा और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी थी, जहां पर प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत जो है मोदी सरकार का काम किया योगी सरकार ने, और योगी सरकार ने अपने स्तर पर अपने सभी राज्य के लोगों को दिया है 2500 रुपया, और इसी कारण उत्तर प्रदेश के लोग खुशी से झूम उठे हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये रुपया लेना चाहते हो तो आपको पेंशन के रूप में आपके खातों में योगी सरकार 2500 रुपये तक
की राशि डालेगी और आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे कैश के माध्यम से ये सारी राशि देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये गरीब योजना और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए थी। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाए। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी सरकारी योजनाओं के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।